दोस्तों, मैं आपका मित्र, सर्मित्र दोस्त, आपका रोबिन सिंह आपके लिए एक बार फिर नई वीडियो लाया हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क की। जो लास्ट ईयर के बच्चे रिजल्ट लिस्ट में आए थे उनकी रिजल्ट लिस्ट आउट हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक रेड कलर का ऐसा बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर ले, और उसके बराबर में एक बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं वीडियो अपडेट मिलेगी। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बस यही मेरा कहना है। अब शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं रिजल्ट लिस्ट की। तो आपके सामने पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे अगर IBPS RRB में रिजल्ट लिस्ट में थे, तो जो अगर जिन्होंने रिजल्ट देख लिया है तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना अपना रिजल्ट चेक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ऐसे विजिट पर वेबसाइट पर जाए, IBPS की साइट पर ये चलता हुआ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो खुल जाएगा ऐसे रिजर्व लिस्ट, और रिजर्व लिस्ट पर जाकर आप क्लिक जब भी करोगे तो आपका इसको उसके लिए खुलना शुरू हो जाएगा। और अपना अपना रोल नंबर डालेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपना कैप्चा कोड, तो उससे आपको रिजल्ट खुल जाएगा। तो आपको आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका रिजल्ट आया है रिजर्व लिस्ट का। तो काफ़ी बच्चों की उम्मीद आज बन गई होंगी, काफ़ी रिजल्ट आपका भविष्य उज्जवल हो, बस मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात, काफ़ी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको देख रहा हूँ, मैंने LIC ADO का जो रिजल्ट आउट हुआ है, मैंने पहले ही अपने इंटरव्यू की मेरी वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में। LIC ADO की इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन की दो वीडियो डाली थी, उसमें दोनों में ही मैंने बताया था कि 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा LIC ADO का, और वो आउट हो चुका है। उसका भी मैंने सबसे पहले डिवीज़न वाइज रिजल्ट सबको आउट कराया है, दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को जो मिल रहे हैं तो खुश भी हो रहे हैं, काफ़ी रह भी रहे हैं। तो आप होप न तोड़ें, आपके लिए एग्ज़ाम बहुत हैं भविष्य में, बस मेरी यही शुभकामना है। जो बच्चे रह गए हैं LIC ADO में, जो बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप में काफ़ी क्षमता है, कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है, आप में काफ़ी एबिलिटी है, तो आप अभी तैयारी में डटे रहें। IBPS क्लर्क नेक्स्ट टारगेट रखिए, मेरे हिसाब से IBPS क्लर्क में 12,000+ वैकेंसी हैं आपके लिए, वो काफ़ी सक्सेसफुल जॉब होने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन अभी से 20 दिन आपके मात्र बचे हैं, मेरी राय से 20 दिन से जुड़े रहें। और दूसरी बात, मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाला हूँ, और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं IBPS PO मेंस और NAVARD मेंस के लिए एक 500 क्वेश्चन की GA की वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो आपको 5 से 6 पार्ट में मिलेगी। तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे हमेशा विजिट करे रहें तो आप पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। मैं रोबिन सिंह आपके सामने फिर लाइव आऊँगा। और जो बच्चे रिजर्व लिस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं, ये पिछले साल की रिजर्व लिस्ट है। जो पिछले साल बच्चों का रिजर्व लिस्ट में जैसे नाम आता है, कोई पॉइंटों में रह जाते हैं, एक डिसाइड करते हैं ये हर साल। जैसे आपका मान लीजिए 19 का रिजल्ट है, तो 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आएगा IBPS RRB PO का भी और क्लर्क का भी। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आने वाला होगा, उस दिन आपको लिखा आएगा कि यू आर, मतलब आप रिजल्ट लिस्ट में हो। तो वो रिजल्ट लिस्ट जब आउट होगी 20 में, जब आपका पता चलेगा। तो इसलिए ऐसी होती है रिजल्ट लिस्ट। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो पॉइंटों से चूके थे, तो वो सेलेक्ट आज हो गए होंगे, मुझे होप है। और मेरे चैनल से जिन बच्चों का हुआ होगा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। मैं रोबिन सिंह आपके सामने एक बार फिर लाइव आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।